हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज सुबह सुबह हमारे घर में नाश्ते में बन रहे हैं पपीते के परांठे। तो सबसे पहले मैंने कच्चे पपीते को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और इसमें जो भी मसाला वगैरह था वो डाला। और अगर आपको ये परांठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने हैं तो आपने एक तड़का इसको लगाना है, मतलब देसी घी में थोड़ा सा तड़का लगाना है इस पेस्ट को जो भी आपने बनाया हुआ है। और फिर जिस तरह से मैं बनाती हूँ डबल परांठे, उसी तरह से मैंने ये बनाया और बहुत ही टेस्टी और यमी यमी बने थे। तो इस तरह का ये पपीता था और इसके जो बेस थे वो मैंने निकाल दिए हैं। बाकी पूरी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है क्योंकि आप सभी को पता है कि किस तरह से फिर परांठे बनते हैं। इस तरह से आप बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। और लगे लगे हाथ एक झलक दिखा देती हूँ आपको बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस की। तो मेरे मायके वाली मम्मी ने बनाए हुए हैं, जो भी हमारे घर में न्यू मेम्बर आने वाला है तो उसके लिए बनाए हुए हैं बहुत सारी स्वेटर्स। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की बनाई है। तो मुझे तो ये स्वेटर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगी। तो मम्मी ने सारे जितने भी कलर के बन सके उनसे उतने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोग एक शाम को गए हुए थे वहाँ पे, फिर हम लोग आ भी गए थे वहाँ से जल्दी ही सुबह। तो मम्मी ने मुझे बताया कि इस तरह की स्वेटर्स वगैरह बनाई हुई हैं क्योंकि ये आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के ये स्वेटर्स बनाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला पसंद आया, ये जो ग्रे कलर में बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। देख लीजिए, इसी तरह के बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं। आप लोग यूं ही कंटिन्यू हमारे चैनल में बने रहिए। तो न्यू मेम्बर्स के लिए सारी जगह लगी हुई है तैयारियाँ, देख लीजिए क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो मायके वाली मम्मी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, देख लीजिए बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनाए हुए हैं, ब्लैक, पिंक, येलो, ग्रे, जितने भी कलर मम्मी के पास थे उतने कलर के स्वेटर्स बना लिए गए हैं। तो ये देख लीजिए, साथ में जुराबें बुट्टू भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे, देख लीजिए आप। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो जब हमारे घर में न्यू मेंबर आ जाएगा तब मैं इसको पहनाऊंगी ये सारे ड्रेसेस जो हैं, तो फिर आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह के लगेंगे और किस तरह के नहीं। तो कुछ भी आ जाए हमारे घर में हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, समायरा मुझे बता रही थी कि बुई ये सब कुछ बनाया हुआ है और ये मुझे दिखा भी रही थी कि ये हैं बनाए हुए अम्मा ने। तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, देख लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल बड़े बड़े हैं। तो देख लीजिए, स्मायरा के सिर में भी आ गया ये वाला। तो स्मायरा के लिए भी मम्मी ने इस तरह के बनाए हुए थे बहुत ही ज़्यादा, अभी भी और भी ज़्यादा बना रहे हैं इसको। ये देखिए इस तरह के ये बनाए हुए हैं, जुराबे, टोपी, स्वेटर्स। और स्मायरा को देख लीजिए किस तरह के लग रहे हैं ये। तो स्मायरा भी पीछे नहीं रह रही है, स्मायरा भी मुझे दिखा रही है कि इस तरह के ये हैं। तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी हम लोग वहाँ पे जल्दी जल्दी में गए थे, फिर आ भी गए थे। तो यहाँ पे दीवार पे देख लीजिए पापा जी ने लगाए हुए हैं पोस्टर वगैरह। तो ये जब मैं बीएड करती थी तो मेरे स्क्रैप बुक में बनाए हुए थे, तो उन्होंने शायद यहाँ वहीं से ये लगाए हुए हैं, तो स्क्रैप बुक वहीं पड़ी होगी। तो पापा ने फिर ये दीवार पर ही चिपका दिए, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और पतिदेव को भी। तो पतिदेव ने फिर इनको भी कैप्चर कर लिया।
बाकी पिछले कल हम लोग गए हुए थे एक शादी में और बन्ना दीदी के घर में भी, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये सब हुआ वहाँ पे, हम लोगों ने थोड़ी बहुत गपशप मारी और फिर हम लोग चले गए थे शादी में। तो शादी वाले क्लिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो यूं ही बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और ये हैं शानू मिट्टू, तो इनको लाई थी हम लोगों ने चिज्जी, तो इन्होंने ये चिज्जी भी खाई। तो ये वाले क्लिप्स शायद प्रदीप ने भी कल आपके साथ शेयर कर लिए होंगे, तो आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के लग रहे हैं आगे शादी में दूल्हा और दुल्हन। जैसे ही हम फंक्शन में पहुंचे तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह का माहौल था। और साथ में ये जो आप लड़की देख रहे हो, ये हमारे घर में भी आती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हम लोग ही इनको मिल गए। और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे कोई जान पहचान भी नहीं ज़्यादा, तो फिर मैं इसके साथ ही रही। तो ये हैं दूल्हा और दुल्हन। हम लोगों ने भी फिर यहाँ पे कुछ क्लिप्स वगैरह कैप्चर किए और दूल्हा दुल्हन के साथ बातचीत की और उनको आशीर्वाद दिया। तो आप लोग भी दे दीजिए इनको ढेर सारा आशीर्वाद, इनकी जोड़ी यूं ही सलामत रहे हमेशा हमेशा के लिए और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश रहें। चल पढ़, चलना नहीं हमारे घर। फिर कब आऊं? फिर कब, इतने दिन हो गए। अब कॉलेज वाली होगी, अभी लिया सा लग रहा है मेरे को। कॉलेज वाली होगी। अच्छा, हो गई थी। चल पढ़ बोल रहा हूँ तेरे को। ठीक है, पर आज तो ये मिली थी बिल्ली हमारे को यहाँ पे, तो बिल्ली करने तेरे को बाबा है यहीं पे ही, और यहाँ पे बिल्ली की मम्मी है। ठीक है चाची, हरी चलते हैं। बिल्ली को खाना दिया है, देख लो और भी ज्यादा पतली हो गई है पहले से। छोटा बच्चा बाय। हेलो गाइस, बोल दो। बोलो बोलो गाइस के चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, बोल दो। मूड नहीं अभी। तो डियर फ्रेंड्स, इस कुछ इस तरह का रहा हमारा ये ब्लॉग, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और वो ड्रेसेस कैसे लगे आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा और भी ज़्यादा शानदार, तो यूं ही बने रहिएगा।